मुल्क भर में कहर की सर्दी, कराची से गिलगित तक यख बस्ता हवाओं का राज। सकरदू में शदीद ठंड का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया, पारा मनफी 21 डिग्री तक जा गिरा। पंजाब सिंध के वाला इलाकों खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लाम में शदीद धुंध छा गई। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम, मुसाफिर परेशान। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मगरबी हवाओं का नया स्पेल आइंदा माह पंजाब में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। पंजाब में खून जमा देने वाली सर्दी में गैस का बहरान, लाहौर, पिशावर, कराची और कोयटा समेत दीगर शहरों में गैस की लोड शेडिंग को कम प्रेशर ने शहरियों को छिछा दिया। ना नाश्ता बनता है ना दोपहर का खाना, रात का खाना भी बाहर से आना मामूल बन गया। होटल समेत कारोबारी अफराद भी परेशान, लागत बढ़ने से नुकसान उठाने लगे। LPG गैस की मांग में इजाफा। शदीद सर्दी में सिंध में गैस लोड शेडिंग को कम प्रेशर के मसाइल, हुकूमत ने 25 घंटे में कराची में CNG स्टेशन पर सुबह 7 से रात 7 बजे तक सप्लाई बहाल कर दी। कम प्रेशर का सामना, तर्जुमान सुई सौजन के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस पहुंचाने में मुश्किल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की शदीद सर्दी में बेघर अफराद के लिए फौरी इकदाम की हिदायत, बेघर अफराद को फौरी शेल्टर फराहम किया जाए। सख्त सर्दी में कोई भी शेल्टर के बगैर नहीं होना चाहिए। इंतजामिया आर्जी शेल्टर के फौरी इंतजाम करें, आर्जी शेल्टर्स में खाने पीने की अशिया भी फराहम की जाए। ट्वीट पे वज़ीर आला को हिदायत। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सनअती और घरेलू सार्फिन के लिए गैस बंद है, लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, जबकि इमरान साहब लोगों के सर से छत छीन कर कहते हैं लंगर खाएं और पनाहगाह में रहें। खान साहब 50 लाख घर देने का वादा किया था, पनाहगाह में सहूलियात पूरी करने से बात नहीं बनेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आवाम की जिंदगी में बेहतरी के लिए अमले इकदाम कर रहे हैं, इदारों में जदीद इस्लाहात की जा रही हैं, हमारे इकदाम के मुस्बत नतायज सामने आएंगे। तब्दीली के सफर में सूबा पंजाब मिसाली सूबा बनेगा, सरकारी खजाने के जाती इस्तेमाल का कल्चर खत्म कर दिया। हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 के जरिए नैब को गैर मौसर कर दिया। तब्दीलियों से सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी बरादरी को फायदा होगा। नैब सिर्फ 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन से मुतालिक केसेस की इंक्वायरी कर सकेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती में चेयरमैन नैब का किरदार खत्म, नैब अब 14 दिन तक मुश्तबा शख्स को तहवील में ले सकता है। कार्रवाई मुकम्मल होने पर नैब दोबारा तहकीकत नहीं कर सकेगा। ब्यूरोक्रेट्स की प्रोसिक्यूशन के लिए 6 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी तश्कील, कमेटी मंजूरी के बगैर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ तहकीकत और गिरफ्तारी नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नैब कानून में तरमीम का मकसद किसी करप्शन का तहफ्फुज़ नहीं देना। नैब कानून पर नजरसानी का मुतालबा नून लीग को पीपल्स पार्टी ने किया था। अपोजिशन माशी मामलात में रुकावट डालती है। अपोजिशन कह रही है मईशत का पहिया नहीं चल रहा, बगैर मुताला तनकीद हमारे यहाँ रविश बन गई है। नैब ऑर्डिनेंस सबूत है कि हुकूमत आसिफ अली जरदारी की मईशत और नैब के साथ ना चलने की बात से मुत्तफिक है। अपोजिशन को साथ ना मिलाकर नैब कानून में तरमीम हुकूमत की मौतसबाना अप्रोच है। हुकूमत अपना काम करे, कानून साजी में किरदार निभाए, नैब कानून मुकम्मल खत्म करके इंसदाद बदउनवानी कानून मजबूत करे, नैब का ये ढोंग खत्म किया जाए। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। तब्दीली के सामने मजाहमत कौन कर रहा है, वज़ीर आज़म वजाहत करें। पीपल्स पार्टी का सवाल, अपने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की गई, जो लोग खान साहब के साथ मिल गए उनके गुनाह धुल गए। नैब सिर्फ दो जमातों का एहतसाब करती है, कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक कहते हैं हुकूमत ने ऐवानों की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी करके नैब के पर पा काटने की कोशिश की। नैब ने गुज़श्ता दिनों बीआरटी का मामला उठाया, तब्दीली का नारा लगाने वालों की वजह से एहतसाब मजाक बन गया। जमहूरियत कमजोर और महंगाई उरूज पर है, हुकूमत के पास कश्मीरियों के लिए कोई लाहे अमल नहीं, खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान तन्हा है। मकबूजा कश्मीर में तवील कर्फ्यू की वजह से भारत के ढाई मजालिम दुनिया तक नहीं पहुंच सके, पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, हर रियासत में लोग बाहर निकले हैं। क्या पूरे भारत में कर्फ्यू लगाया जा सकता है? ये मुमकिन नहीं। भारतीय वजीर आजम की हिंदुत्व सोच बेनकाब हो गई, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब का मकबूजा कश्मीर पर अप्रैल में खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला, इस्लामाबाद में तलब किए जाने वाले इजलास में कश्मीर की सूरत हाल पर बात होगी। इजलास में भारत में शहरियत तरमीमी बिल के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास ओआईसी कॉन्फ्रेंस के वज़ीर खारजा सतह का होगा। सऊदी वजीर खारजा ने हालिया दौरे में वजीर आजम को इजलास बारे एतमाद में लिया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के जुल्म जबर का 147वां रोज, चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज और पुलिस अहलकार तैनात, वादी जेल में तब्दील, जुल्म जबर पाबंदियां बदस्तूर नाफिज, लॉकडाउन के तसलसल में कोई तातुल ना आया, शदीद सर्दी में खुराक अद्वियात और दीगर बुनियादी जरूरियात जिंदगी अशिया की शदीद कलत, भारतीय फोर्सेज की ज्यादती और कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी आजादी की जदोजहद के लिए सरापा एहतजाज। जस्टिस काजी फाइज सीसा के खिलाफ रेफरेंस पर लार्जर बेंच से जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक को अलग करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 31 दिसंबर को दरख्वास्त पर इन चैम्बर समाअत करेंगे। एडवोकेट इनामुर रहीम की जानिब से इन जजेस को बेंच से अलग करने की दरख्वास्त दायर की गई। मशहूर होने का शौक सियालकोट में बच्चे की जान ले गया, तीन कम सिंह दोस्त टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे कि गोली चल गई। अम्मार हैदर ने पेट पर पिस्टल रखकर गोली चलाई जिसकी वजह से जान से गया। कम सिंह मुलजिम जुहेब का मौकफ, लवाहकीन ने कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द हकायक सामने आएंगे। मर्दान के इलाके जमालगढ़ी में बारात में शामिल मोटरसाइकिल को डंपर की टक्कर, हादसे में एक ही खानदान के तीन अफराद जांबहक, पुलिस के मुताबिक जांबहक होने वालों में दो जवान और एक बच्ची शामिल है। सखर में मकान की छत गिरने से तीन बच्चे जांबहक, वालिद समेत दो अफराद जख्मी, अपनी मदद आप के तहत मलबे से लाशों और जख्मियों को निकाला गया। छत गिरने का वाकया न्यू पिंड थाने की हदूद पठान कॉलोनी में पेश आया, मकान की छत अरसे से मरम्मत न होने की वजह से बौसीदा हो चुकी थी। सगोधा की सर्विसेज कॉलोनी में दम घुटने से बहन भाई जांबहक, 16 साल लड़की और 3 साल बच्चा सर्दी की वजह से कमरे में गैस हीटर चलाकर सोए हुए थे, गैस लीकेज की वजह से कमरे में गैस भर गई, लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। और पंजाब में तलोर की आबादी में मुसलसल कमी का इंकशाफ, गुब्बारा बस्टर्ड कमीशन की हालिया मंजूर की गई रिपोर्ट के मुताबिक तीन मकामात और पंजाब भर से डेटा हासिल किया गया। 2017 से 19 के दरमियान तलोर की आबादी 6223 से 5302 तक जा पहुंची। चोलिस्तान में भी तलोर की आबादी में कमी हुई, राजनपुर जोझान में थोड़ा इजाफा देखा गया।